प्रशासन जो है चुका है, प्रशासन देखिए, प्रशासन ये देखिए, प्रशासन जो है प्रशासन आ चुका है, और प्रशासन ये देखिए, प्रशासन जो है आ चुका है, और बच्चों के साथ प्रशासन देखिए, बच्चों के साथ महिला पुलिस नहीं है, और महिलाओं से प्रशासन जो है महिला पुलिस नहीं है, बिना महिला पुलिस के प्रशासन जो है बिना जहाँ जा रहे हैं वहाँ से भगाया जा रहा है। सचिवालय गए 144 धारा लागू है, वहाँ से भगाया गया है, बोर्ड ऑफिस से भगाया गया है। हम लोग बोला जा रहा है बिहार सरकार का डिसीजन है, बिहार सरकार के पास आए हैं तो यहाँ पर पुलिस कर्मी हमको बेशर्म के तरह भगाया जा रहा है। जो सबसे बड़ी बात है कि मिड टर्म में ये बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? शिक्षा विभाग के तरफ से रोज जो नए नए आदेश आते हैं उस आदेश का और हेलना किस तरीके से होती है ये आप देख सकते हैं। अधिनियम बंधन नियम लागू है, शक्ति की पूजा नरेंद्र मोदी करते हैं और यहाँ नारी शक्ति को किस तरीके से ये दिखा सकते हैं आपको। संख्या भले इनकी कम हो लेकिन ये आप देख सकते हैं महिला पुलिस नहीं होने के कारण, और किसी बिना महिला पुलिस के आ गए थे और इन्होंने बच्चियों के साथ बदतमीजी की थी, तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या उम्मीद है सरकार मांग मानेगी? मानना तो पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्या उम्मीद है? और देखो तमाम बच्चियां और ये देखिए तमाम लड़कों से जरा जानकारी लेते हैं क्या लड़के बोल रहे हैं। क्या उम्मीद है सरकार मत मानेगी? सरकार को मानना पड़ेगा नहीं तो बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे। बस सरकार यही चाहती है कि सरकार ये समझ रही है कि आपके वोट से तो आपको तो वोट देने का अधिकार नहीं है कुछ, लेकिन नहीं सरकार को ही पता होना चाहिए हमारे गार्जियन जो दिन रात मेहनत करते हैं वही वोट देंगे। आप बच्चों पे अगर बीत जाएगा तो कोई किसी को वोट नहीं देगा, फिर कोई नहीं वोट देगा। कोई पार्टी हो मम्मी को मना करेंगे जदयू को वोट नहीं देना है, जदयू नहीं जो सरकार है उसको वोट नहीं देना। अगर हमारा मांग नहीं पढ़ाई छूटता है तो नहीं वोट देंगे कोई। देखिए क्या इसका असर पड़ेगा, ये नीति का क्या असर पड़ेगा सरकार के ऊपर ये भी जो है पता चलेगा। और देखिए बच्चों की तरफ से हमें जो सूचना मिल रही है प्रशासन कह रहा है कि हम केस करेंगे, बच्चों से ही पूछा जाए। और दिखाते हैं आपको और आप देख रहे हैं ये परिस्थिति। मुख्यमंत्री
और ये देख सकते हैं आप किस तरीके से छात्रों का आंदोलन जो है देखिए किस तरीके से अधिकार यही पर अधिकार मिलता है और सर सुनिए हम लोग ठीक ठाक अरे अधिकार की जगह यही है बोर्ड ऑफिस गए शिक्षा विभाग गए हम लोग ये नियम वापस ले हम लोग सब जगह तरीका होता है सुन लीजिए आप तरीका से कोई भी चीजें लिखित रूप से आइए सचिवालय भी गए सुनो पहले ये झुंड बना के नहीं शिक्षा विभाग अरे ये जगह नहीं है तरीका से लिख के दो जो भी चीजें हैं आप लिख के दो मीडिया को दिखा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं मुरारी जी डीएम ने आश्वासन हम लोग के सामने दिया था क्या कहेंगे आप नहीं पहले हर चीज का रूल होता है हर चीज का रूल होता है इस तरह से कहीं पर भी रोड को जाम नहीं करना है अरे मैंने क्या बोला हर चीज का रूल बना हुआ है आपको अपना बात कहाँ रखनी है बना हुआ है रोड पे खड़ा होकर के रोड जाम नहीं करनी है हम लोग सब जगह से हार थक गए कल बोर्ड काउंसिल गए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी परसों गए कल शिक्षा विभाग गए अधिकारी बैठा के छोड़ दिया हम लोग को अरे सर क्या समझते हैं हम लोग को बेवकूफ समझते हैं ये बच्चों की जो समस्या है इन्हें देखने वाला कोई नहीं है और ये चार दिन से इन सड़कों पे और देखिए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कह रहे हैं कि यदि आप किनारे नहीं हटे तो हम उठवाना शुरू करेंगे डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर भी यहीं पे है कृष्णा मुरारी और ये तीन दिन पहले डीएम ने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री नहीं है आने दीजिए आपकी बातों को पहुंचा दिया जाएगा लेकिन अभी प्रशासन जो है अपने डंडों के बल पर इन बच्चों के भविष्य को जो चौपट करना चाहता है कहां जाएंगे ये बच्चे आखिर इनके गार्जियन क्या करेंगे इनके अभिभावक क्या करेंगे जहां 11 का के परीक्षा के बाद जो है देख लीजिए ये परिस्थिति है इन बच्चों की और भी कुछ बच्चियाँ देखिए और कहा जाता है और ये कहा जाता है कि जयप्रकाश के आंदोलन में इसी तरीके के बच्चों ने जब साथ दिया था तो इंदिरा की हुकूमत हिल गई थी प्रशासन कह रहा है कि यहाँ से हटिए नहीं तो एफआईआर करेंगे को वोट देने का अधिकार नहीं है क्या कर लोगी तुम क्या कर लेंगे जो करना होगा कर लेंगे लेकिन इस बार कॉलेज में ही रहना है जो करना नेक्स्ट बार करना होगा जो ही बोलिए मम्मी को नहीं कहेंगे कि ऐसी निकम्मी सरकार को वोट मत दीजिए ठीक है कहेंगे बोल देंगे हाँ कह देंगे क्या कर लोगी आप लोग हम लोग जब तक हम लोग को अन्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे नारा लगाते रहेंगे नीतीश कुमार हाय हाय तुम लोगों को तो वोट देने का अधिकार नहीं है कहाँ पेरेंट्स को एकदम नहीं कहेंगे परमिशन नहीं देंगे
मामला जो है स्कूल और कॉलेज से नीतीश की गद्दी तक पहुंच गया और ये परिस्थिति है, देख लीजिए आप ये परिस्थिति है। और इसी बीच महिला फोर्स को भी बुलाया जा रहा है और ये देखिए डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्णा मुरारी जो हैं वो भी बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे जो हैं इतने उग्र हो गए हैं। और वास्तव में ये सच्चाई भी है कि दो दिन पहले डीएम जो हैं उन्होंने इन बच्चों को आश्वस्त किया था कि निश्चित तौर पर हम दो दिन के अंदर कोई ना कोई रास्ता निश्चित तौर पर निकालेंगे, लेकिन जब आज तक भी रास्ता नहीं निकला और ये बच्चे जब थक चुके हैं तो अब ये बच्चे यहाँ सड़कों पर उतरे हैं। और हम एक बात की आपको और याद दिला दें, जयप्रकाश नारायण ने ऐसे ही बच्चों का जब आह्वान किया था तो इंदिरा की भी सरकार उखड़ गई थी। कहीं ये नहीं हो कि ये बच्चे और इनके साथ इनके अभिभावक यदि मिल जाएं तो नीतीश की सरकार को उखड़ने में देर नहीं लगे। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।